तमसा नदी के घाट पर पीपल के पेड़ से चादर के सहारे लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, शव को पोस्टमार्टम को भेजा। आजमगढ़ थाना कोतवाली क्षेत्र के राहुल नगर मढ़ाया के समीप तमसा नदी के किनारे एकलव्य घाट पर पीपल के पेड़ से लटका युवक का शव बरामद होने के बाद सनसनी मच गई। रविवार को सुबह करीब 6 बजे लोगों ने शव देखा तो पूर्व सभासद मुखराम निषाद को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। युवक के पास मौजूद मोबाइल से एक नंबर पर कॉल किया गया। तब कॉल रिसीव करने वाले ने बताया कि मोबाइल नंबर युवक आशुतोष यादव उर्फ गोलू पुत्र संतोष यादव उर्फ साधु निवासी राहुल नगर मढ़ाया का है। इसके बाद परिजनों को मौके पर बुलाया गया। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। इसके बाद तकरीर थाना पर दी गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। पिता संतोष के अनुसार रात में कुछ लोग गोलू को बुलाकर ले गए थे। आशंका है कि उन्होंने ही मारपीट कर गला घोटकर हत्या की है और शव को लटकाया गया है। शव चादर से लटका था लेकिन गले में चादर नहीं बंधा था, केवल ठुड्डी पर चादर अटका था, जबकि पैर पेड़ के किनारे बने चबूतरे पर मौजूद था, इसलिए लोगों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं मामले में पूर्व सभासद मुखराम निषाद और पीड़ित पिता ने क्या जानकारी दी। बाइट मुखराम निषाद पूर्व सभासद, बाइट संतोष यादव मृतक का पिता। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष। कहाँ रहने वाले हैं? राहुल नगर मढ़िया साहब। क्या घटना हुई है? घटना हमारे लड़के को सब बुलाए हैं, रात में 10 बजे निकला है और लेके गए और साथ जिसको खिला के मार के मारने के बाद फांसी पे लटका दिया। अब पूरा फसरी नहीं लगा था, पैर एकदम जमीन पे था। तो कौन? अब पूरी फसरी सर्गवासी नहीं थी, बस इसी पे लटकाया गया था। कौन ले गया था बुला? हाँ, मोहल्ले की है सब। अभी सुई पर पोस्टमार्टम हो जाए तो हम लोग कुछ सुराग दे देंगे। अच्छा। एक लड़का है मेरा, वो बताएगा। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमको न्याय मिले। हमारे लड़के को मारे हैं बहुत जबरी, पहले गर्दन चापे हैं, कहीं शरीर पे चोट नहीं, गर्दन चाप के लटकाए हैं, पैर जीत नीचे है सब, सर पे इसे सरकवासी होता है, फांसी होता है वो पता चलता है कि हाँ सरकवासी लगा, क्योंकि सरकवासी भी नहीं था साहब। कुछ कारण पता चला? क्या कारण? मोहल्ले में अपने ये सब लड़के हैं, दुश्मनी बहुत थी उससे, जलते थे, ये सब मारे मोहल्ले वाले साहब। हम कुछ पता तो लगाएंगे, अभी छोटा लड़का आ जाएगा तो हम बताएंगे कौन कौन था। पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस तो कर रही है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एफआईआर दर्ज कराए? एफआईआर अभी नहीं हुआ है साहब। अच्छा। वो रिपोर्ट आएगी उसी खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, क्या मामला है कि सुबह टेलीफोन से मुझे सूचना मिली है कि एक लड़का जो है नदी किनारे पीपल के पेड़ से लटका हुआ है। हम लोग मौके पहुँचे और मौके पहुँच कर देखे हैं तो हम पहचान नहीं पाए लड़के को, तो हमने जो है फ़ोन के माध्यम से जो प्रशासनिक अधिकारी उनको अवगत करा दिया कि सर ऐसी सी बात है, और मौके पर पहुँच कर बरवाल साहब ने लड़के के मोबाइल से जो है फ़ोन किया है, मोहल्ले के लड़के का नंबर सेव था, उसको फ़ोन किया तो उस लड़के ने आकर उसको पहचान किया है, ये फला लड़का है जिसका नाम गोलू है और ये फला के घर का है, उसके पूरे परिवार का नाम बताया और लेकर गया है और शिनाख्त उसकी हुई है मोहल्ले में। अच्छा, अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर संदेह की दृष्टि से अगर लग रहा है कि उसकी जो है हत्या की गई है तो हमारी यही है प्रशासन से मांग कि उसकी जो है रिपोर्ट दर्ज करके और जो कानूनी कार्रवाई हो उसके दायरे में लेकर जाँच की जाए ताकि दोषी को जो है सजा मिल सके और इन गरीब के साथ न्याय हो सके। कुछ घटना कारण पर चल रहा है? अभी कोई स्पष्ट पता नहीं है क्योंकि दोनों मोबाइल जो प्रशासन के पास जब्त। कुछ गिरफ्तारी हुई है अभी तक? कुछ नहीं, कोई अभी नहीं है, अभी तहरीर दिया गया है, अभी कोई मुकदमा वगैरह नहीं लिखा गया है। हम लोग भी उम्मीद में है कि मुकदमा लिख दिया जाए और कोई आगे कार्रवाई करे। आश्वासन मिला प्रशासन के पोस्टमार्टम के बाद कोई कार्रवाई की जाए। कोतवाली क्षेत्र के राहुल नगर मोहल्ले में एक 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।